Thank you.
Hello, what's up and welcome guys to another practice custom co-associated and associated by obviously me, Krusty Raymond YT. इसलिए जो भी देखे subscribe जरूर ठोके. तो guys, ऐसे तो 72 members have joined within the given time guys. उसके अलावा मैं रुकता नहीं हूँ. Everyone knows I'm punctual with timings. So till then guys, जो team join किए एक बार मैं बता दूँ सभी के नाम, जो जो अपने रजिस्टर स्लॉट्स पे बैठी है. और कुछ कुछ हो सकता है रैंडम बंदे इधर उधर से आ गए होंगे, क्योंकि एट लास्ट गाइस रूम स्टार्ट होने के 3 मिनट पहले मैं आईडी पासवर्ड पब्लिक करता हूँ. पब्लिक यूजुअली मैं लाइव स्ट्रीम पर करता हूँ, बट बिकॉज मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम वाईफाई इशूज, तो इसलिए गाइस मैं डिस्कॉर्ड पर पब्लिक कर देता हूँ ऑब्वियसली. एंड एक बार अपन जरा टीम देख लेते हैं गाइस, कौन कौन सी टीम थी जिन्होंने रजिस्टर किया था और कौन कौन सी टीम ज्वाइन हुई है. तो पीछे से शुरू करते हैं गाइस. सबसे पहले स्लॉट नंबर 25 डेमोन किंग की टीम थी, ज्वाइन हुई है. स्लॉट 24 आरडीएक्स की टीम थी. स्लॉट 23 प्ले बॉयज की टीम थी. 22 जो थी एएस ऑफिशियल का एक ही बन रहा है. 21 फैनेटिक फैंटेस्टिक फोर की टीम थी, इसका रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा बिकॉज दे डिड नॉट ज्वाइन. एनॉर्मिटी की स्लॉट 20 पे जो टीम है ज्वाइन हो चुकी है. वाइपर की टीम के 2 बंदे आए हैं. स्लॉट 18 गूगल की टीम थी, बट गूगल की टीम नहीं आई है अनफॉर्चुनेटली. स्लॉट 17 टीम प्लेस की टीम थी, 2 बंदे आए हैं. 16 पे पोकेमॉन की टीम के 3 बंदे आए हैं गाइस, बट 16 पे आई थिंक डीएक्स की टीम शिफ्ट हो चुकी है, उनको लगता है शिफ्ट होने का चांस नहीं मिला. फोबिया ईस्पोर्ट्स स्लॉट 15 पे. स्लॉट 14 पर रेड की टीम. 13 पे फ्रैग जोन की टीम थी, बट आई थिंक आई नहीं है फ्रैग जोन. 12th पे जो है गाइस किलर बॉयज की टीम थी, और आई थिंक आई है 12th पे किलर बॉयज. और INF की टीम जो थी गाइज 11th पे वो आ नहीं पाई. मेंटोस की टीम स्लॉट 10 पे थी गाइज, MNT वो भी आई है. स्लॉट 9 पे DMO की टीम थी और वो भी आई है. स्कल मिलिटेंट की टीम स्लॉट 8 पे थी गाइज. स्लॉट 7 पे F2F eSports. स्लॉट 6 पे गाइज जो टीम थी पल्स वो आई नहीं है. मोस्ट वांटेड की टीम जो है गाइज वो स्लॉट 5 पे है. रिवेक रिक वेडा की टीम स्लॉट 4 पर. स्लॉट 3 पर टीम वीस्ट. हेजार्डस की टीम स्लॉट 2 पर. और स्लॉट 1 पर लावारिस का एक मात्र बंदा आया है. लावारिस की टीम भी नहीं आई है. तो गाइस लेट्स गो, लेट्स सी क्या होता है इधर पे स्क्रीन. और देखा जाए तो देखो, अगर इधर देखा जाए तो ऑलरेडी मारा पीटी शुरू हो चुकी है गाइस. और क्लासिक में लेके जाता हूँ गाइस, ताकि तुम लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, व्यूइंग एक्सपीरियंस मिले. और देखा जाए तो इधर पे काफ़ी सारी टीम्स आई है गाइस. टीम 12 भी उतरी है, टीम 23 प्लस टीम 16, और उसके साथ टीम 24 भी उतरी है गाइस, और टीम 18 भी उतरी है गाइस. तो अगर इधर देखा जाए तो पूरा हाउसफुल परफॉर्मेंस होने वाला है गाइस. और ओम के गाइस एक बंदे ने अपने ही DCX नाइट राइडर को मार चुका है. और सागर जो है गाइस उसको फिनिश करने जा रहा है. और सागर एकदम ही नियरली आ चुका है फिनिश करने. जो उसके ऊपर वाला बंदा है गाइस उसके पास गन नहीं है टीम 18 का. और भाई अरे ये क्या हक दिया भाई इसने, तो माँ कसम पूरी यूजी की एमओ निकाल दिया. अब जाके मर रहा है गाइस फाइनली. और इधर पे सागर ने एक बंदे को निपटा दिया है. क्या उसका बदला ले पाएगा भाई अपना. और वी वेनम ने गाइस अगर देखा जाए तो वी वेनम ने एक बंदे को निपटा दिया है. अगर इधर देखा जाए तो टीम 8 की जो टीम है गाइस, वी वेनम ने टीम 5 के साथ फाइट लिया और वी वेनम ने 2 बंदों को निपटा दिया. इधर पे रोबोट ने गाइस 2 बंदों को निपटा दिया एफएक्स के, टीम एफएक्स के. और रोबोट का भी टीम एफएक्स का भी जो है गाइस एक डाउन है. और इधर पे गोरखा आई थिंक एक डाउन है गाइस. गोरखा जीनोस एक डाउन है गाइज. वेनम एक्स डाउन है गाइज अगर देखा जाए तो इधर पे. और टीम 8 के जो बंदे हैं गाइज, रेसर अपने बंदे को कवर देने जा रहा है काइंड ऑफ. और इनके पास माल की कमी है और इसने भाई ने गन ड्रॉप कर दिया है गाइज. और टीम 5 भी अपने बंदे को रिवाइव कर रहा है. रिवाइव हो चुका है गाइज, नियरली रिवाइव हो चुका है, बिल्कुल गाइज रिवाइव हो चुका है. नॉक्ट वाले बंदे को फिनिश कर दिया गया है गाइज. इधर पे 2 बंदे बड़े ईमानदारी से फील्डिंग सेट करके बैठे हैं गाइज. और अगर इनकी फाइट छोड़ा जाए गाइज तो वापस से पिकाडो में फाइट हो चुकी है. और अब तो गाइज ये 2 बंदे शहीद हो गए. और 2 बंदे शहीद हो गए गाइस, इसलिए अपन चलते हैं टीम 24. सागर ने गाइस एक और बंदे को निपटा दिया इधर हल्के हल्के में. सागर यूजी का काफी अच्छा यूज कर रहा है. पहले तो मैंने देखा था हक दिया है, बट उसने निपटा दिया इधर पे. और एनॉर्मिटी की टीम जिधर जो है फील्डिंग सेट करके बैठी है. टीम 22 गाइस डूब के मर रही है मेरे सबसे भाई. इनका ब्रेकअप ब्रेकअप हुआ गाइस, ये 3 बंदे डूब के मर चुके हैं. तो डूब के मरने के बाद इनकी लाशें बन चुकी है गाइस इधर पे पानी में. तो भाई खराब लगा ये टीम्स के लिए जो डूब के मरी गाइस. इतना कौन सा इनका सदमा था, इतना कौन सा जिंदगी से उग चुके थे कि डूब के मर गए गाइस. और अगर इधर देखे तो न्यूट्रॉन जो है गाइस, न्यूट्रॉन ओपी M24 से विदाउट स्कोप मारने की कोशिश कर रहा है. और बिल्कुल ये गलत डिसीजन होने वाला है गाइस, बहुत ही हलवे तरीके से मर जाएगा. इसलिए इसको ये इतना बड़ा स्टंट नहीं मारना चाहिए. उससे अच्छा आइदर ही शुड लेट
कि बंदे आए क्लोजिंग करे। और गाइज इधर पे अगर देखा जाए तो इसके टीम के दो बंदे पहले ही आधी एचपी पे है, गाइज आधी एचपी पे भाग रहे हैं, वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर पे टीम 16 वर्सेस टीम प्ले बॉयज़ की टीम वर्सेस टीम 16, डीएक्स की टीम फाइट ले सकती है गाइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल डीएक्स की टीम के, डीएक्स के बंदे ने गाइज नेड फेंका है, आई थिंक नेड स्टन ग्रेनेड फेंका है आई थिंक, और स्टन ग्रेनेड मेरे को नहीं लगता है लगा है गाइज। और इधर पे अगर देखा जाए प्ले बॉयज़ की टीम आराम से, और देखा जाए तो सामने में रेड की भी टीम है, रेड की टीम थोड़ा सा लूट के गाइज आई थिंक क्लोज इन करने की कोशिश कर रही है अपने ही अंदाज में गाइज, और क्लोज इन बिल्कुल कर रही है वो। और रेड का जो डैडी वाइटी है गाइज, ये जब मेरे साथ खेलता है तो अकेले अकेले भग के जाता है मारने के लिए, और ज़्यादातर टाइम मारता भी है और मर के भी आता है। हालांकि अगर सामने वाले बंदे अच्छे रहे तो शहीद हो जाता है, वरना मारता है भाई, और वही कर रहा है इस बार देखा जाए तो। ऑलरेडी प्ले बॉयज की टीम का एक बंदा नॉकआउट हो चुका है, टाउज को UMP 45 से स्प्रे मारने की कोशिश कर रहा है। अगर इधर पे टीम रेड की टीम पीछे से थर्ड पार्टी कर देती है तो मजे हो जाएंगे भाई। और इधर के रेड ने डीएक्स के जेरी को मार दिया गाइस, डीएक्स के जेरी को कहां से मारा कोई आइडिया नहीं है। और अगर देखा जाए तो टीम 24 के दो बंदे घुस चुके हैं गाइस इधर पे बिल्डिंग के अंदर घुस चुके हैं, और मेरे हिसाब से ये लोग बहुत बड़ा टीम को ही दिखा रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि बाकी सारी कोई टीम क्लोज नहीं है। और अगर देखा जाए तो इधर वाइपर की टीम गाइस टीम 9 के बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी है, और डीएक्स के बंदे ने गाइस निपटा दिया इधर पे अपने लिए किल गैदर किया। ओके वाइपर की टीम ने गाइस बहुत ही गंदा टपाटप मारा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा डीएमओ के एक बंदे को लो कर दिया है, और वाइपर में जो दूसरा बंदा है घुस चुका है। ओ भाई कतई जहर घुस गया था, बैठ बैठ के पूरा डैमेज दिया भाई ने, आखिरी मोमेंट तक लग रहा था कि यही भाई है अपना। और भाई ये बिल्कुल 1 HP पे है गाइस, बिल्कुल एक गोली मारने की देरी है उसको सिर्फ। अरे मार दे ब्रो, ओ भाई 1 HP पे था वो बंदा बट उसको निपटा नहीं पाया। और अगर इधर पे आया जाए गाइस तो अगर देखा जाए तो रेड की टीम ने रश कर दिए, और आई थिंक डीएक्स की टीम जो एक बाजू में ही थी गाइस शहीद नहीं हुई है, इधर पे प्ले बॉयज़ की टीम शहीद हो चुकी है। और रेड की टीम वर्सेस प्ले बॉयज़ की टीम फाइट हो रही है, प्ले बॉयज़ की टीम मेरे को कहीं ना कहीं लगता है गाइस रेड की टीम के सामने छोटी पड़ जाएगी थोड़ी सी। और रेड का जो डैडी है गाइस, डैडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और डैडी ने 1 HP पे एक बंदे को नॉकआउट किया, दूसरे बंदे को भी डैडी निपटा दिया गाइस 1 HP में डैडी बैठा हुआ सिर्फ। और डैडी जो है गाइस, डैडी ने प्ले बॉयज़ की टीम को निपटा दिया, क्या टीम डीएक्स वहां पे जाएगी गाइस? अगर जाती है तो उनको 4 फ्री के किल्स मिल जाएंगे, बट आई हैव नो आइडिया कि डीएक्स इंटेंशन दिखाएगी कि नहीं मारने का। और डैडी ने अपने आप को हील किया है गाइस, और पहले सबसे पहले ऑब्वियसली अपने बंदों को रिवाइव देगा वो, और अंदर आ रहा है गाइस अपने बंदों को रिवाइव दे रहा है, बट डीएक्स की टीम वहां से हल्के हल्के में मार रही थी गाइस इनको। और वैंग ओपी ने भी अपने आप को हील कर लिया गाइस, अगर डीएक्स की टीम थर्ड पार्टी करती गाइस ऐसे सिचुएशन में रश करती तो मज़ा आ जाता, बट अब जो है गाइस टीम 12 भी आ चुकी है, अगर देखा जाए तो टीम 12 भी हल्के हल्के में बहुत ही ज़्यादा क्लोज इन कर चुकी है। डीएक्स की टीम के पास बहुत ही हलवा मौका था गाइस, देखो कभी भी कोई थर्ड पार्टी हो मेरे हिसाब से तो घुस जाओ यार, क्योंकि थर्ड पार्टी में गाइस अनप्रिडिक्टेड किल्स मिलते हैं गाइस। अगर मान लो तुम लोग क्वालिफायर्स में खेल रहे हो और फुकट के 6 किल्स मिल गए भाई, वो 6 पॉइंट्स तो ऐसे ही हो जा रहा है यार तुम्हारे। अगर तुम्हारी टीम 15 किल कर रही है तो तुमको चिकन डिनर लेने की भी जरूरत नहीं है गाइस, यू गाइस आर हैप्पी विथ 15 टीम किल्स गाइस। ओ भाई हंटर यहाँ पे डार्क हंटर नॉकआउट हो चुका है, परफेक्ट रेड था, रेड की करी का कि डीएक्स का दूसरा बंदा भी डाउन हो चुका है गाइस। और शैडो जो है, शैडो को मेरे हिसाब से अपने बंदे को रिवाइव देने जाना चाहिए, और बिल्कुल वही कर रहा है गाइस, रिवाइव दे रहा है अपने जेरी को, डीएक्स जेरी को रिवाइव दे रहा है। उतने बीच में करी है, करी के साथ वैंग ओपी ऊपर आ रहे हैं गाइस, और पहले मेरे हिसाब से बंदे को रिवाइव करना चाहिए, और उनको जाने दो ब्रो, जाने दो जाने दो, डू नॉट डिस्टर्ब देम। ओके एक बंदा डाउन, और यहाँ से मेरे को लग रहा है डीएक्स की टीम कहीं ना कहीं खत्म होगी, और डीएक्स की टीम खत्म हो चुकी है गाइस। रेड की टीम ने गाइस घुस के पहले टीम प्लेबॉयज़ को निपटाया गाइस, 7 किल टोटल गैदर कर लिए, फिर 3 बंदों को निपटा लिया था टीम डीएक्स के एक बंदे को, परफेक्ट ओपी नेट से गाइस निपटाया। क्या गाइस यहाँ पे टीम डीएक्स का परफॉर्मेंस कोई टीम रोक पाएगी? और अगर देखा जाए तो कोई भी परफेक्ट लाइनअप के साथ रेड की टीम नहीं लड़ी भाई, ये तो अलग ही नशे हो रहे भाई इसके साथ, ये भाई इसके गाड़ी के साथ तो अलग ही सस्ते नशे देखने के लिए मिलेगा। और अगर इनका महंगा माल फूकना हो गया हो गाइस तो अभी देखते हैं सामने वाले कितनी टीम जिंदा है गाइस। देखा जाए तो टीम 10, टीम 17, टीम 14, टीम 12, टीम 8, अभी तो 12 टीम जिंदा है गाइस। सारी की सारी टीम जोन के अंदर अप्रोच कर रही है, तो जोन के अंदर अप्रोच करने दिया जाए। अभी देखते हैं इधर पर टीम 12 क्या कर रही है गाइस। ओके टीम 12 के बंदे जो है आई थिंक उन लोगों ने फ्लेयर मंगाया है, नहीं फ्लेयर व्लेयर के तो इतना पैसा नहीं है उनके पास, बोले फ्लेयर नहीं मंगा सकते। और इधर पे फ्लेयर का नाम लिए, और मेरे हिसाब से टीम 8 ने फ्लेयर चला दिए गाइस। और अगर देखा जाए तो आई थिंक टीम 8 ने फ्लेयर चलाई है, या टीम 8 के भी आगे
चला है, मेरे हिसाब से टीम एट के भी आगे चला है। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गाइस टीम 25 ने, बिल्कुल गाइस टीम 25 ने फ्लेयर चला दिए, हाउसेस हॉर्सेस होल्ड करके बैठे हुए गाइस। और इधर से जो अपना इंडियन एयरवेज का प्लेन था गाइस वो भी आ रहा है, इंडियन नहीं कौन सा महंगा वाला प्लेन, किधर है ये, इधर एक और प्लेयर चल गई माँ की अखिया। इधर बंदों को एक गन नसीब नहीं है भाई, इधर ये लोग प्लेयर की पार्टी कर रहे हैं, प्लेयर की होली मना रहे हैं, क्या ही बोलूँ अब मैं, क्या ही बोल सकते हैं गाइज, मजाक चालू है इधर पे तो जिंदगी में। और टीम 25 की टीम आराम से फील्डिंग सेट करके बैठी है, और अगर ड्रॉप गिर गया होगा गाइज तो ड्रॉप के साथ गाइज चीटिंग करके मेरे को देखने में बड़ा मजा आता है कि ड्रॉप में कौन सा माल है। और भाई अगर देखा जाए तो AWM प्लस ऑग मिल चुकी है इधर पे टीम 25 को, और अगर देखा जाए तो इधर MK14 है गाइज जो सरकारी ड्रॉप है वो गरीब है ड्रॉप थोड़ा सा, और रेड की टीम के पास वापस जाता है 7 किल गैदर करने के बाद। रेड की टीम इधर ही झूम बराबर झूम गाना गा रही है, और भाई ये क्या कर रहा है, इसने तो हवाई यात्रा ही भरा यार माँ की अखिया। वो थोड़ा सा ग्लिच था अपना, जाने दो। विलेजेस्ट गाइज FZG की जो टीम है गाइज, FZG फॉक्सी गोस्ट और किंग OP भी इधर पे मजे ले रहे हैं, घूम रहे गार्डन में। और भाई ने अपना हाँ इधर पे जीप कंपस लेके आया, भाई उनको बिठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं, दो बंदे उनके हायाबूसा में, लगता है ब्रेकअप हो गया गाइज इनका, अंदरूनी कुछ स्कैम हो गया गाइज, ब्रेकअप कर लिए इन लोगों ने और अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। 12 टीम्स अभी भी अलाइव है गाइज, जस्ट रिमेंबर। एंड अगर देखा जाए तो FX की टीम भी गाइज जीप कंपस में नहीं, FX की टीम जो है गाइज फ्लैट लैम्बोर गया ये मर्सिडीज में आ रही है गाइज, बिना छत वाली मर्सिडीज में घूम रही है। और भाई अलग ही जगह, इधर इनके साथ पास एक जीप कंपस भी है, तो इधर गाड़ियों का शोरूम खोलने की इच्छा है गाइज इनकी। और अगर इधर देखा जाए तो एक और प्लेयर है जिसमें MK14 और ऑग आई है, मेरे को MK14 में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है यार, मेरे को सबसे रद्दी गन लगती है वो, जिसको चलाना आता है उसके लिए बहुत ही सुपीरियर गन है। तो अभी इतनी टीम से गाइज, और इधर एक और सरकारी ड्रॉप गिरता हुआ गाइज मीनवाइज, अबे ये तो सबसे लुच्ची गन का खोज किया भाई, ये पता नहीं कौन से पबजी वाले ने क्या भाई डायबिटीज के पेशेंट को देख के बनाया था क्या वो बंदूक, वो इतनी लुच्ची गन है यार वो शॉर्ट गन, मेरे को तो इतनी छक्की गन लगती है भाई, ड्रॉप में शॉर्ट गन डालता है क्या पबजी वालों को, ही क्या सोच लेके पैदा हुए हो गए तुम लोग भाई। मैं कभी कभी सखी करता हूँ गाइज, पबजी वाले क्या ही सोच के ये सब चीज़ें करते हैं, बट ठीक है वो पबजी है मालक है वो, कुछ नहीं कर सकते गाइज। और अभी तो फिलहाल कोई फाइट होने की संभावना ही नहीं दिख रही है गाइज, बट अगर इधर देखा जाए तो टीम 13 वाले जो है ARS भिखारी और माफिया डाकू, इन लोगों ने टीम अप किए है गाइज, देखते हैं ये लोग कहाँ तक सर्वाइव कर पाते हैं। ओके FX की टीम के पास वापस जाते हैं गाइज, FX को कोई बंदा मारने मूरने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए अपने आप में गाइज मारा मारी कर रहे हैं, क्या ही बोलूँ यार इनको भी मैं, जाने दो, माफ़ किया गाइज तुम लोगों के मजे नहीं लेता। और इधर पर अगर देखा जाए तो रेड की टीम के पास, रेड की टीम के बहुत ज़्यादा क्लोजिंग कर रहे हैं टीम 13, टीम 13 का जो भिखारी है गाइज उसको मैंने काफ़ी OP परफॉर्मेंस करते हुए देखा हूँ, पर अब देखते हैं गाइज क्या करता है जो भिखारी भाऊ अपना है। गाइज काफ़ी सारे सीन्स मेरे को लग रहा है क्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जो है इसमें घूमने के सीन्स ज़्यादा है गाइज। तो अब देखा जाए तो इधर माफिया का डाकू भी है गाइज, रोटेट कर रहा है, और इधर पे टीम 25 काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग कर रही है टीम 12 के, MNT के बंदों ने आई थिंक मारामारी शुरू कर दिया है। और बिल्कुल गाइज इधर पे अगर देखा जाए तो टीम 12 के भी बंदों ने मारामारी शुरू कर दिया है, और ओ भाई लड़की को मारता है माँ की अखिया, मजाक है क्या गाइज भाई, ये तो गलत किया यार। टीम 10 के पास वापस से जाते गाइस, टीम 10 ने भी मारामारी शुरू कर दी है, और टीम 10 का अगर देखा जाए MNT की टीम ने भी इधर मारामारी की थी और एक किल गैदर कर लिया, और गाइस दो बंदे ऊपर ही छुपे हुए, एक बंदा तो 1 HP में था उसको नॉकआउट कर दिया गया गाइस। इधर सोफिया जो है गाइस, सोफिया नीचे आ गया है, ओ भाई सोफिया ने बहुत ही अच्छा टैग देने की कोशिश की गाइस, बट नाकामयाब रहा। FZG के बंदे इधर पे घूम रहे गार्डन में टहल रहे, और इधर पे टीम 12 वर्सेस टीम 25 अभी भी चालू है गाइस, टीम 25 का एक बंदा नॉकआउट कर दिया है स्पाइडी OP ने गाइस, और स्पाइडी अगर देखा जाए स्पाइडी ने T4 के बंदे को निपटा भी दिया है गाइस अगर देखा जाए तो इधर, और स्पाइडी ऑब्वियसली उसका माल लूटने जा रहा है, और मेरे हिसाब से स्पाइडी को पीछे से स्प्रे पड़ रहा है गाइस इधर पे अगर देखा जाए तो, आइसान भाव बहुत ही तगड़ा स्प्रे मार रहे गाइस, और आइसान भाव ने गाइस दूसरे बंदे को बहुत ही ज़्यादा लीड कर दिया गाइस, 1 HP में ला दिया आइसान भाव, अकेले इधर फील्डिंग सेट करके बैठे गाइस, क्या आइसान भाव क्लच कर पाएंगे टीम 12 को। और देखा जाए तो नेड जा रहा है यार आइसान भाव का इधर पे, अबे एक ही जगह क्यों फेंक रहा है नेड माँ की किया,
ओके आईसान भाव ने फिर से बहुत ही गंदा वेनम ओपी को गाइस बहुत ही गंदा टैप देके नॉकआउट कर दिया है और भाई फर्स्ट एड मार रहा है आईसान का अगर देखा जाए और स्मोक ही स्मोक हो रहा है गाइस ऑब्वियसली अपने बंदे को बचाने के लिए स्मोक ही होगा। अगर आईसान यहाँ से लेफ्ट से रोटेट मार के जाता है तो मजे आ जाएंगे गाइस, बट आईसान जो है मेरे सबसे राइट पे जाता हुआ दिख रहा है तो आईसान के लिए इधर पे स्कैम हो सकता है। बाकी बहुत ही तगड़ा नॉकआउट किया आईसान ने, एक ही बंदे को नॉकआउट किया बट बहुत ही ओपी गाइस और दिमाग लगा रहा है आईसान जो है पूरा रोटेट मार रहा है, उसको बैठ के रोटेट मारना चाहिए ब्रो, कूदेगा तो टकला दिख जाएगा तेरा। ओके इधर पे अगर देखा जाए तो रोटेशन कर रहा था बट उसने गलत टाइम पे गाइस गन वन चला के अपनी लोकेशन दे दिया। ओके लेट गया इधर पे आईसान देखा जाए तो। ओ भाई काफी अच्छी कोशिश थी गाइस आईसान की, आईसान अपना फॉर्मर कस्टम प्लेयर है बट गाइस जो नसीब में रहता है वो तो होता ही है। अगर इधर देखा जाए तो मौत भाव ने दो बंदे को निपटाया इधर पे 4x के साथ मिनी 14 लगा के, पता ही क्या ही देखने की कोशिश कर रहे हैं पेड़ के पास, किसकी तलाश है इनको, कौन किसको देखना है। और अगर रेड की टीम देखा जाए गाइस तो रेड की टीम के राइट में टीम 8 है, टीम 8 की तरफ अगर रेड की टीम जाती है तो गाइस मेरे हिसाब से टीम 8 वाले निपटा सकते हैं रेड की टीम को और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फाइट देखने मिलेगा कि गाइस रेड इज़ वन ऑफ द ओपी टीम्स, क्योंकि मैं उनके एक प्लेयर के साथ खेला हूँ और बाकी सारी टीम्स भी मतलब मेरे को कोऑर्डिनेशन वाली टीम्स लगती है। तो आई होप गाइस FX वर्सेज रेड का अगर फाइट होता है तो गाइस तगड़ा फाइट होगा और मेरे को कहीं ना कहीं लग रही है गाइस अगर इन दोनों का फाइट होता है तो FX के 3 बंदे रेड के 4 है, कहीं ना कहीं रेड इनके ऊपर भारी पड़ेगी बट रेड इनकी पूरी टीम को ख़त्म नहीं कर पाएगी गाइस। और अगर देखा जाए तो इधर पे गाइज रेसर ने गाइज एक बंदे को निपटा दिया है ऑलरेडी रेड के डैडी को, मैं यही बोला था गाइज डैडी आगे जाता है अगर टीम अच्छी रही गाइज तो डैडी मर के भी आता है। और FX का जो किंग है गाइज किंग इधर पे निपटाने की कोशिश कर रहा है प्लस बाकी सारे बंदे क्लोज इन आने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्वियसली रेड के डैडी को बचाने के लिए और डैडी जो है गाइज पीछे आ चुका है और डैडी बिल्कुल बच चुका है गाइज बिल्कुल बच जाएगा और FX का जो किंग है गाइज किंग आ चुका है इधर पे। अगर रोबोट थोड़ा सा लेफ्ट जाके देखे गाइस तो रोबोट मजे ले सकता है गाइस इसके बंदे के और वेगस जो है गाइस वेगस बाजू में आ गया है, इनको जरा भी आइडिया नहीं है मेरे हिसाब से। और किंग भाई किंग ने तो आत्महत्या ही कर ली और रेसर जो है गाइस रेसर इधर पे आ चुका है, रेसर को अगर देखा जाए तो रेसर इधर पे आ चुका है और रेसर को वैंग ओपी ने गाइस पे मारने की पता ही जहर कोशिश और भाई वैंग ओपी भी आधी एचपी पे आया है बट वैंग ने निपटा लिया इधर पे और FX का जो फाइट चालू था गाइस FX का जो कतई जहर वाली फाइट चालू थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही है गाइस, क्योंकि इधर पे टीम 10 ने पूरी टीम को निपटा लिया है गाइस इधर FX की टीम को और 10 किल अपने लिए गैदर कर लिया है और टीम 13 जो है गाइस क्या टीम 13 के ये दो बंदे गाइस टीम 14 के पास जाएंगे वही देखने लायक सीन रहेगा गाइस। बहुत ही कतई जहर जगह पे आ रहे हैं यार माफिया का डाकू ARS के भिखारी को मैंने परफॉर्मेंस देखा और कहीं ना कहीं गाइस ARS का भिखारी अगर फॉर्म में होगा पिंग विंग साथ दे रहा होगा उसका तो कहीं ना कहीं बिल्कुल रेड की टीम को गाइस जो अभी तक ओपी परफॉर्मेंस दिखा रही है आराम से सिंगल हैंडेडली क्लच कर सकता है गाइस, क्योंकि उसके पास दोनों ही चीजें है गाइस स्नाइपिंग प्लस AR की स्किल्स गाइस दोनों ही चीजें उसके पास और बिल्कुल होल्ड करके देख रहा है गाइस क्या होता है इधर पे। और वैंग ओपी को निपटाने की कोशिश गाइस बहुत ही गंदी कोशिश और भाई वैंग ओपी को शॉट्स लेने की कोशिश किया है बट इधर पे अगर देखा जाए तो डाकू को शॉट्स पड़े क्या रेड की टीम गाइस टीम 13 के दो बंदों के ऊपर टूट के पड़ेगी गाइस। क्रोनी अगर देखा जाए तो क्रोनी जो है रोटेट मारने की कोशिश कर रहा था मेरे को ऐसा एट स्टार्ट लगा बट वो भाई आराम से बैठ के रेड बुल पी रहा है कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो उसको पीने दिया जाए। और वैंग ओपी गाइस पिछले बार क्या रोटेशन मारे अपने वैंग साहब ने और वैंग साहब इस बार भी गाइस क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे हैं बट गाइस ARS भिखारी गाइस अगर फॉर्म में होगा तो मैं बताया गाइस पूरी की पूरी रेड की टीम को निपटा सकता है गाइस अगर देखा जाए तो। और बिल्कुल गाइस ओ भाई डैडी को निपटाने की कोशिश थी भाई की क्या भिखारी यहाँ निपटा पाएगा भाई काफ़ी कश्मकश वाली फाइट चल रही है यार इधर माँ की क्या खोपड़ी तोड़ मारपीट चल रही है और भाई यार इसके भिखारी ने अच्छा टैप दिया बट भाई भिखारी को क्या टैप मिला गाइस जैसा कि मैंने बोला था चार चार बंदे गाइस पीछे और रेड का डैडी जो है गाइस सबसे पीछे और वैंग जो है गाइस वैंग आ रहा है वैंग के हाथ में MK जो 14 है गाइस MK 14 बहुत बड़ा काम कर सकती है गाइस और वैंग मेरे हिसाब से सबसे फॉरवर्ड है गाइस। और ओ भाई इधर पे ARS की टीम ने आई थिंक होल्ड कर ली है गाइस ARS की टीम अगर देखा जाए तो। और बिल्कुल गाइस ARS का भिखारी क्या कर रहा है भाई भिखारी जो है फर्स्ट एड मार रहा है बट गलत ही जगह पे आके भाई क्या कर रहा है दूसरा बंदा मरेगा ब्रो। ओ भाई गलत डिसीजन ब्रो भाई
ये क्या ही किए यार इन लोगों ने भाई, ये तो सुसाइड है, फ्री के किल बांट दिए ब्रो। भाई मीरामार में भाई कभी कोई बाइक लेके भाग सकता है क्या ब्रो? कार लेके रास्ते देखा है क्या भाई तूने? ये क्या ही किए यार भिखारी की टीम ने, मतलब बिल्कुल वन साइड किल दी है इन लोगों ने। और इधर पे भसड़ होने वाली है गाइज, अगर देखा जाए तो तीन तीन टीम्स क्लोज इन आ रही है, और इधर टीम फोर वर्सेस टीम टू की सिचुएशन होने वाली है गाइज। फिलहाल रेड की टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट अभी गाइज देखा जाए तो उतनी अच्छी अच्छी टीम्स नहीं आई है। बट ठीक है, एफएक्स से मेरे को उम्मीद था, एफएक्स ने दो बंदों को अच्छा टैप भी दी थी, बट एफएक्स का एक शॉट भी था और एफएक्स ने भाई बिल्कुल रोटेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो शहीद हो गई। और रिग वेड की जो टीम है गाइस, टीम फोर ने गाइस एक बंदे को स्पॉट कर लिया, हक दिया भाई। भाई टीम फोर ने लिटरली क्या किया मेरे को समझा नहीं, बट रिग वेड की जो टीम के जो ये दो बंदे हैं ना गाइस, सैन केटीएम और रॉजर्स गाइस, इन लोगों ने क्या किए, आराम से वन साइडेड मार सकते थे स्प्रे, बट भाई दो बंदे मिलके एक बंदे को निपटा नहीं सके। और इधर FZG की जो टीम है गाइज, उसका किंग ओपी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका है, किंग ओपी को निपटा सकते हैं गाइज अभी अगर देखा जाए तो। FZG का जो रॉजर्स है गाइज, रिग्वेड का जो रॉजर्ट है गाइज, मेडिकेट यूज़ कर रहा है, बिल्कुल गाइज मेडिकेट यूज़ कर रहा है, और एक बंदे को निपटाने की तगड़ी कोशिश। ओके कवर बन चुका है गाइज, ओ भाई ये बंदा जिंदा कैसे बचा यार, ओ भाई ये बंदा जिंदा कैसे बचा भाई, ओ भाई बहुत ही तगड़ी फाइट हुई अगर देखा जाए। इधर रिग्वेड की टीम भाई पहले ही निपटा सकते थे, इनका एक बंदा मरता ही नहीं, बट क्या ही यार पहले में हार गए इन लोगों ने, बाकी क्या होती भाई। अब लग रहा है कि रेड की टीम मर सकती है गाइस, इधर MNT वर्सेस रेड होने वाला है गाइस, जो फाइट मे को देखने की इच्छा थी पर्सनली वही फाइट अभी इधर होने वाला है। अगर कोई थर्ड पार्टी ना हो तो गाइस दोनों के कैलिबर का पता चलेगा गाइस, और बिल्कुल मे को लग रहा है मैं गाइस पर्सनली मैं दोनों ही टीम को ज़्यादा नहीं जानता हूं, बट मे को लग रहा है MNT की जो टीम है गाइस वो निपटा लेगी इधर पे अगर देखा जाए तो रेड की टीम को, मे को जितनी फीलिंग आ रही है गाइस। इधर पे मॉली फेंका गया, इधर पे नेड आया, आई थिंक दो नेड आया कंटिन्यूसली दो नेड, टेरिक्स को डैमेज नहीं मिला है जरा सा भी, और टेरिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग आ चुका है गाइस। ओ भाई टेरिक्स गिर गया, ओ भाई टेरिक्स गिर गया, शी वे हग, ओ शिट टेरिक्स गिर गया गाइस, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टेरिक्स का, और टेरिक्स को बहुत ही गंदा स्प्रे पड़ा है गाइस। अगर इधर देखा जाए तो MNT का एक डाउन होने वाला है, और रेड का जो दूसरा बंदा है वो भी नीचे चला गया है गाइस अगर देखा जाए तो। और इधर पे नेड आ रहा है, बिल्कुल नेड आ रहा है गाइस, और एक नेड आ चुका है, ओ भाई MK14 वैंग ओपी ने गाइस एक बंदे को निपटा लिया, क्या इधर पे दो बंदे इनके कुछ कर पाएंगे गाइस। और भाई वैंग रेड के एक बंदे को निपटा लिया गाइस, इधर पे नाचू ने दूसरे बंदे को निपटा लिया गाइस, बिल्कुल दूसरे बंदे को नियरली, ओ भाई माँ की अखिया, वो जो भाई रेड की टीम गाइस बिल्कुल ही टोटल डोमिनेशन के साथ दिखा रही है, क्या यहाँ पे कोई रेड की टीम को रोक पाएगा गाइस। और जैसा कि टीम्स को देख रहा हूँ, मेरे को कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है, DMO की टीम मेरे को लगता है रोक सकती है, वरना उसके अलावा मैं क्योंकि DMO को जानता हूँ, रिग वेड की टीम से मेरे को ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, बट उन्होंने भी दो बंदों को निपटा लिया इधर पे, एक के लॉस पे निपटाया। और DCX की जो टीम है गाइस, DCX की टीम से भी उतनी रॉ टोर्नेडो रॉ DCX की भी टीम निपटा सकती है अभी देखा जाए भाई, बट अभी तक तो प्योर डोमिनेशन दिखा रही है गाइज। अगर रेड की टीम है तो नॉक हो रहे हैं गाइज रेड के बंदे, बट कोई भी टीम सामने जो है गाइज टोटल कोऑर्डिनेशन से नहीं खेल रही है, वरना रेड की टीम को भी निपटा सकती है। और रेड की जो टीम है गाइज नंगा होके खेल रही है भाई, रेड का वैंग ओपी जो है वो तो पूरा नंगा ही हो चुका है गाइज अगर देखा जाए तो। और क्या ही कहे गाइज, एक और ड्रॉप एयर ड्रॉप गिर चुका है इधर पे, और थोड़ा चीटिंग करके देखते हैं एयर ड्रॉप के अंदर क्या है गाइज, अगर कोई टीम लूटने आई तो उनको क्या मिलेगा देखते हैं। इधर पे ऑग है गाइस, ऑग वाले ड्रॉप में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे ड्रॉप में अगर जाके देखे ये तो ऑग वाला ड्रॉप ही आ गया बे, ये वाला ड्रॉप अबे ये गिर गया वाला ड्रॉप होना मेरे को, ये वाला अबे ये वाले पे छू ना, ओके ये गिर गया वाला ड्रॉप है, ये पहले ही खाली कर लिया है, जिस भी क्या बोलूँ, उधर भुक्कड़ आर्मी ने लूटा है उनका अलग ही है। टीम 17 का उमेर एयर प्लेस गाइस बगी लेके फुल स्टंट के मूड में, भाई बगी भी ठोक दिया भाई ने, और मेरे हिसाब से अब टीम 15 के हाथों गाइस ये शहीद हो सकता है, क्योंकि जो टीम 15 है गाइस एकदम इसके पीछे ही है गाइस। टीम 15 जो अगर देखा जाए तो गाइस DMO के साथ फाइट होने वाली है रेड की टीम की, और मेरे को क्यों लग रहा है गाइस DMO अच्छी टीम है, केपेबल है, बट आज रेड का दिन लग रहा है मेरे को, रेड की टीम के सामने जो भी आ रहा है गाइस सब निपटाए जा रहे हैं, रेड की टीम अच्छे डिवाइसेस के साथ खेलते हैं वो तो एक बात है, बट ऑब्वियसली गाइस स्किल्स भी है रेड की टीम के पास, और अगर देखा जाए तो रेड की टीम मेरे हिसाब से किसी को
को स्प्रे मारने की कोशिश कर रहे, बगी वाले को स्प्रे मारने की कोशिश कर रहा था वैंग ओपी, और वैंग ओपी ने गाइज अपने लिए 7 किल गैदर कर लिए। वैंग का वो जो रोटेशन था गाइज, और सेकेंड में भी गाइज उसने काफ़ी 1 HP पे क्या ही मारा है गाइज नात्सु को, 1 HP पे निपटा दिया अगर देखा जाए तो नात्सु को। और इधर पे अगर देखा जाए तो टीम 9 की जो टीम है गाइज, टीम 9 की टीम पूरी अलग ही कॉर्नर पकड़ लिया गाइज उन लोगों ने। और अगर देखा जाए तो टीम 14 जो रेड का जो ये जोवी है गाइज, वो तो अलग ही भाग रहा है, क्या कर रहा है कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। बट अभी अगर देखा जाए तो टीम 12 वर्सेस टीम 14 होने वाला है गाइज, मेरे को संभावना ही लग रहा है। और टीम मैक्स 2 ओपी गाइज, काफ़ी मेरे को लगा तगड़ा हेडशॉट है, बट वो रीच का सहारा है गाइज, एक्चुअली वो ग्लिच है मेरे हिसाब से, बिल्कुल गाइज ग्लिच है उनके तरफ से, और वो लोग ग्लिच में गोली मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टीम 12 के पास जाके देखे गाइज तो आई थिंक मैक्स 2 ओपी के पास M24 है, और गाइज वो रिज में गोली मार रहा है, उसको लग रहा है कि मैं बंदे को मार रहा हूँ, पर पड़ नहीं रही है भाई को अनफॉर्चुनेटली गोली। और इधर पे अगर देखा जाए तो ओम का भी यूज़ हो रहा है गाइज, तो भाई जो कि मैंने टीम 12 को हल्के में लिया था गाइज, अब टीम 12 भारी काम कर सकती है गाइज, क्योंकि सारे बंदों के पास गाइज अच्छी। ओके रिगवेट की टीम प्ले जोन से मर गई है गाइज, प्ले जोन से मरना शुरू कर दिया रिगवेट की टीम ने, और भाई मैक्स 2 ओपी नॉकआउट हो गया। रेड का कॉर्नी गाइस, फिर से रेड का एक मेंबर जो है गाइस कतई जहर रोटेशन मारा है भाई उसने, भाई मजाक चालू है क्या इधर पे जिंदगी में। और रेड के वेनम ने रिगवेट के दूसरे बंदे को निपटा दिया गाइस, रिगवेट का एक बंदा तो जोन से ही मर गया था, और डैडी ने दूसरे बंदे को निपटा दिया। 17 किल लेके चल रहे हैं गाइस डैडी जी की जो टीम है, और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है रिगवेट का रॉजर से गाइस, रिगवेट से तो मैं उम्मीद नहीं रखा था, वो तो उन लोगों ने टीम 2 के 2 बंदों को मार दिया, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो शॉकिंग लगा था भाई। उधर कहाँ SLR कहाँ ब्रो, M4 निकाल ब्रो, SLR में 6x 8x लगा के भाई अपना, बट इट्स ओके कुछ नहीं हो सकता गाइज। अगर इधर देखा जाए तो रेड की टीम और जोन में ऑब्वियसली भागने की कोशिश कर रहा है, और इधर पे टीम 17 और टीम 15 क्लोज इन हो रही है गाइज। ओके इधर पे रेड के कॉर्नी ने रॉजर्स को भी भाई रिगवेडा से क्या दुश्मनी थी नहीं पता, और उमेर एयर प्लेस गाइज, क्या इधर पे टीम 15 का एकाक बंदे को निपटा पाएगा गाइज उमेर भाई, तो अभी देखने लायक सीन रहेगा गाइज अगर उमेर भाई निपटा लेते। मैक्स 2 ओपी का अगर देखा जाए गाइज, तो मैक्स 2 ओपी ने गाइज इधर पे अच्छा खासा, मैक्स 2 मेरे को लग रहा है गाइस टीम 12 कहीं ना कहीं अगर जोन फेवर दे दिया टीम 12 के, तो टीम 12 लेके जाएगी चिकन डिनर, क्योंकि मेरे को लग रहा है गाइस थर्ड पार्टी होने वाली है रेड की टीम के साथ। मेरे को बहुत ही गंदी वाली फीलिंग आ रही है, कोई स्ट्रीम देख नहीं रहा है गाइस इसलिए मेरे को फील आ रही है, अपना प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, अगर स्ट्रीम देखते तो थर्ड पार्टी गपका हो गई रहती। और अगर वेनम देखे, ओके DMO वर्सेस टीम 12 हो चुका है गाइस, तो अब टीम अगर 14 के फेवर में जोन बनता है तो गाइज मजे है जिंदगी में। और DMO की टीम ने गाइज टीम 12 की तरफ अपना डायरेक्शन किया, और बट भाई रेड की टीम ने यही मेरे हिसाब से गलती की, उनको नहीं मारना चाहिए था अगर चिकन लेना था तो। ओके रेड की टीम ने इधर मैक्स 2 ओपी को गाइज साइड से पढ़ना शुरू हो गई है टीम 15 के हाथों, और टीम 15 ने गाइज मैक्स 2 की टीम को निपटाना शुरू कर दिया। भाई भूलो मत गाइज उनकी टीम के पास ओम प्लस M24 सब है, साथ में अगर न्यूट्रॉन ओपी देखे गाइस तो काफी क्लोज इन आ चुका है। न्यूट्रॉन आई थिंक टोर्नेडो को निपटा लेगा, न्यूट्रॉन ने टोर्नेडो को बहुत ही गंदा निपटाया है गाइस अगर देखा जाए तो। और इधर पे एक और बंदा है गाइस उनका, और भाई दूसरे बंदे को भी निपटा दिया, और भाई तीसरे बंदे को तो जोन से ही निपटा दिया आधा, और भाई बाकी का काम जो है, ओ भाई पट्ट से हेडशॉट पड़ा है मेरे हिसाब से न्यूट्रॉन को अगर देखा जाए तो। और रेड की टीम अगर देखा जाए तो ऊपर आ चुकी है, रेड की टीम ने थर्ड पार्टी कर ली है टीम 12 के साथ, जो टीम 12 मेरे को लग रहा था कुछ कर सकती है रेड की टीम का, रेड की टीम ने थर्ड पार्टी की, और रेड का वेगन ने गाइज वी वेनम को भी नॉकआउट कर दिया, स्पाइडी लास्ट बंदा, और टीम 12 को निपटा लिया है गाइज। अब भाई टीम DMO के पास बहुत ही तगड़ा चांस है टीम रेड को निपटाने का, बट टीम रेड ने गाइज 1-sided 24 किल लॉ भी खाली कर दी है गाइज अगर देखा जाए तो। बट भाई अगर DMO की टीम देखा जाए तो इतनी हलवा नहीं है गाइज निपटाने के लिए, और अगर देखा जाए तो बहुत ही गाइज ओपी परफॉर्मेंस बाय रेड, इज्जत है यार, फुल इज्जत समाज में गाइज रेड टीम को, बहुत ही सही तगड़ा। अब देखना पड़ेगा DMO की टीम के पास जोन है क्या, जोन का कुछ एडवांटेज उठा पाएंगे गाइज इधर पे। और लियो का जो मौत है गाइज मेरे हिसाब से 1-sided किसी को नहीं भागना चाहिए, रेड की टीम ने अभी यही किए गाइज, जो भी रश किया गाइज पूरी टीम के साथ किए उन लोगों ने। और इधर एक लैम्बोर्गिनी अभी भी है, तो जोन में जाने के लिए उनको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बट जोन में तो जाना ही पड़ेगा, और लैम्बोर्गिनी निकाल लिया रेड के कॉर्नी ने गाइज। और इधर
ओम निकाल दिया गया है गाइस, इधर पे ओम निकल चुकी है। और रेड के डैडी ने अगर ओम से किसी को नॉकआउट कर लिया है गाइस, बट जोन में तो जाना है गाइस, एकदम ही जोन के बॉर्डर में गाइस। और अगर देखा जाए इनको कुछ, अबे क्यों जा रहा है भाई, क्यों जा रहा है अकेले, क्या गधा है क्या ब्रो भाई। ऐसे ही कारण गाइस, यही कारण से गाइस टीम्स नहीं मार पाती है अच्छी टीम्स को भाई, स्ट्रेटर्जी ही नहीं है। एक बंदा अकेले भागा जा रहा है ब्रो, क्या सीन है ब्रो, पूरी टीम आ गई तो क्या उखाड़ेगा भाई तू उनका, क्यों ब्रो क्यों, इतना क्यों हीरो बनना है भाई, सबको सलमान खान बनना है 50 साल की उम्र में, माँ की अखिया मजाक है क्या इधर जिंदगी में भाई। ये बंदा सबसे पहले शहीद होगा, और अगर इसने थर्ड पार्टी कर दिया तो भाई किस्मत में, रेड के वैंग ओपी ने गाइस एक बंदे को निपटा दिया है। अब शायद रश कर सकते भाई, पर इसने लोकेशन ऑलरेडी दे दिया है, यही चूतिया पाए। अभी देखो भाई कॉर्नी इसको भी निपटा देगा, कॉर्नी इसको निपटाना ही था भाई, ये तो पूरा ही चूतिया पा था भाई टीम डीएमओ के तरफ से। और अगर देखा जाए तो डीएमओ का डार्क है गाइस इधर पे, डीएमओ का डार्क भी निपटेगा, अभी डार्क भी निपट चुका है, डीएमओ की टीम खत्म होती हुई दिख रही है गाइस इधर अगर देखा जाए तो। और डीएमओ की टीम के पीछे से भी बंदे आ रहे हैं, एक बंदे को नॉकआउट किया, अरे अगर डीएमओ के जेनो ने गाइस एक बंदे को निपटा दी इधर पे, और जेनो को निपटा दिया, और वन साइड परफॉर्मेंस भाई बाय टीम रेड, ओपी टीम रेड मक्खन, मजा आ गया गाइस। टूर्नामेंट में थोड़ी डिफिकल्ट टीम्स रहेगी गाइस,